हिंदू संस्कृति के व्रतों त्योहारों व पर्वों की सुदीर्घ श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है गणेश चतुर्थी। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से अनंत चतुर्दशी तक विघ्नहर्ता गणेश का जन्मोत्सव पूरी श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गजानन गणेश भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। हिंदू धर्म में इन्हें प्रथम पूज्य की गरिमा में पदवी से विभूषित किया गया है। सनातन संस्कृति का कोई भी कार्य गणपति को नमन किए बिना शुरू नहीं किया जाता, क्योंकि वे विघ्नहर्ता व शुभत्व का पर्याय हैं और सुख समृद्धि वैभव व आनंद के अधिष्ठाता भी हैं। 10 दिवसीय गणेशोत्सव के दौरान देश भर का हिंदू समाज पूर्ण भक्ति भाव के साथ बल बुद्धि व विद्या के प्रदाता मंगल मूर्ति गणेश का आरती वंदन करता है। इस दौरान बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं गणपति बप्पा से जुड़े इन मोरिया शब्द का अर्थ? इसको लेकर गणेश पुराण में एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि एक बार सभी देवगण जब सिंधु नामक महादैत्य के अत्याचारों से त्रस्त हो गए थे, तब सभी देवतागण गणेश जी की शरण में पहुंचे थे, क्योंकि उस समय उनके अग्रज व देव सेनापति कार्तिकेय उच्च शक्तियां अर्जित करने के लिए तप साधना में लीन थे। तब देवताओं की रक्षा के लिए गणेश जी ने अपने भ्राता के वाहन मयूर को अपना वाहन बनाया और 6 भुजाओं वाला अवतार लेकर उस दैत्य का विनाश कर देवों और उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। तब सभी देवों ने मयूरेश्वर के रूप में उनकी विजय पर जयकारे लगाए और उनकी पूजा अर्चना की। तभी से जन समाज के बीच वे मयूरेश्वर पूजे जाने लगे और कालांतर में मोरिया के रूप में लोकप्रिय हो गए।